Welcome to the Electrical and Engineering PLC Automation channel. So in this video lecture we will learn about high voltage DC transmission, why we are preferring high voltage DC transmission over high voltage AC transmission, why we want to superimpose HVDC over HVAC, what are the consequences for the implementation of high voltage DC transmission over high voltage AC transmission. So kindly subscribe my channel for future electrical and automation videos. So one advantage of the high HVDC transmission is, in case of DC transmission we only need two conductors. So DC system mein electrical power ko generation se distribution tak transmit karne ke liye sirf do conductors chahiye hote hain. Ek conductor kaun sa hota hai, wo at high potential pe hota hai, and second one conductor at लोअर पोटेंशियल होता है जिसकी बेस पे हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं. सेकेंड वन एडवांटेज इज देयर इज नो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस फेस डिस्प्लेसमेंट एंड सर्ज प्रॉब्लम इन केस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन. सो ये चीज हमें अंडरस्टैंड है कि डीसी ट्रांसमिशन के केस में कोई इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती. यही वजह है कि हम HVDC को क्यों प्रेफर करते हैं. HVDC को प्रेफर करने की वजह यह है कि एक तो इसमें इंडक्टेंस कैपेसिटेंस नहीं होती, 120 डिग्री फेस डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो इसकी वजह से हम HVDC पे मूव करते हैं. सर्ज प्रॉब्लम्स, जब भी इलेक्ट्रिकल स्विचिंग होती है तब सर्ज फिनोमिना प्रोड्यूस होता है. सर्ज फिनोमिना हमेशा स्विचिंग लॉसेस की वजह से प्रोड्यूस होता है. तो चूंकि हम डीसी ट्रांसमिशन को यूज करेंगे तो इस केस में इंडक्टेंस कैपेसिटेंस फेस डिस्प्लेसमेंट और सर्ज प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी. थर्ड एडवांटेज इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस द वोल्टेज ड्रॉप इन अ डीसी ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन द एसी लाइन फॉर द सेम लोड एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज. जब इंडक्टेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो भी डीसी ट्रांसमिशन के केस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो यही वजह है कि अगर HVAC और HVDC को कंपेयर किया जाए फॉर द सेम सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड द सेम इलेक्ट्रिकल लोड, तो जो डीसी ट्रांसमिशन है उसकी वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज स्टेबिलिटी, वोल्टेज की जो स्टेडीनेस है वो मेंटेन रहेगी. तो बेटर वोल्टेज रेगुलेशन हमें किस केस में मिलेगी, HVDC में मिलेगी. तो ये भी एक मेजर एडवांटेज है व्हाई वी आर प्रेफरिंग HVDC ओवर HVAC. फोर्थ वन इज द देयर इज नो स्किन इफेक्ट इन अ डीसी सिस्टम. डीसी सिस्टम के केस में कोई भी स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, देयरफॉर एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइन कंडक्टर इज यूटिलाइज्ड. तो हमें ये बात पता है, इसका मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट और फ्रंटी इफेक्ट क्या है, तो उसमें मेरे डिटेल वीडियो लेक्चर है. स्किन इफेक्ट में हमने ये देखा कि जो कंडक्टर की स्किन है उस पर करंट की डेंसिटी ज्यादा है, वहां करंट ज्यादा फ्लो करता है कंडक्टर की स्किन पर, जबकि स्किन डेप्थ में जो है वो करंट रिलेटिव टू स्किन बहुत मिनिमम होता है. यही वजह कि कंडक्टर की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से एक तो लाइन कंडक्टर की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, और उस वजह से जो कंडक्टर का कम्प्लीटली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो फुली यूटिलाइज नहीं होता. तो ये HVAC का एक ड्रॉबैक है. स्किन इफेक्ट एक AC ट्रांसमिशन लॉस है, लेकिन अगर हम HVDC को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस केस में कोई स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो स्किन इफेक्ट की वजह से जो लाइन लॉसेस है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे. आगे हम चलते हैं. फॉर द सेम वर्किंग वोल्टेज द पोटेंशियल स्ट्रेस ऑन द इंसुलेशन इज लेस इन केस ऑफ डीसी सिस्टम. तो डीसी सिस्टम के केस में जो पोटेंशियल स्ट्रेस है वो इंसुलेशन पे कम होता है रिलेटिव टू AC, और यही वजह है कि कोरोना डिस्चार्ज जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो भी कम होता है. तो एक ये भी एडवांटेज है कि अगर जो पोटेंशियल स्ट्रेस है वो इंसुलेशन पे कम स्ट्रेस करेगा तो इसका मतलब है डीसी जो लाइन है उसमें कम इंसुलेशन रिक्वायर होगी. सिक्स एडवांटेजेस, अ डीसी लाइन हैज लेस कोरोना लॉस एंड रिड्यूस्ड इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट्स. डीसी सिस्टम में कोरोना इफेक्ट क्या है? कोरोना इफेक्ट ये है कि एक कंडक्टर के अक्रॉस
जो एयर है वो एज अ इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम काम कर रही है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं, जो एयर का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो 30 kV/cm है। अब जब 30 kV से वोल्टेज एक्सीड करते हैं तो कंडक्टर के क्लोज जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक ह्यूज इलेक्ट्रोस्टेटिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है। उससे हिसिंग ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस होती है और फेंट वॉयलेंट जो सी है वो लाइट्स प्रोड्यूस होती है। ओजोन की गैस प्रोडक्शन यूज होती है जो कि किसी भी कंडक्टर को उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको डैमेज कर सकती है। तो यही वजह कि HVDC में कोरोना इफेक्ट जो मिनिमम होता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से जो कम्युनिकेशन सर्किट्स हैं उनमें भी रेडियो इंटरफेरेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इंटरफेरेंस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो चूंकि कोरोना इफेक्ट लेस है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन की लाइंस जा रही हैं उनमें इंडक्टिव इंटरफेरेंस कम होगी। द हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन इज फ्री फ्रॉम द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस पर्टिकुलरली इन केस ऑफ केबल्स। तो HVDC ट्रांसमिशन का एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस है वो कम होते हैं। सो फाइनली द प्राइस ऑफ DC केबल्स इज लो ड्यू टू लो इंसुलेशन। क्योंकि दो कंडक्टर्स हैं, कम इंसुलेशन रिक्वायर है, पोटेंशियल स्ट्रेस भी कम है, तो DC केबल्स की जो प्राइस है वो रिलेटिवली टू AC मिनिमम। लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस, डिमेरिट्स ऑफ HVDC ओवर HVAC ट्रांसमिशन। ओके, सो फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ HVDC ओवर HVAC इज इलेक्ट्रिकल पावर कैन नॉट बी जनरेटेड एट हाई DC वोल्टेज ड्यू टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स। सो कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स की वजह से वी ऑलरेडी वेल नोन कि इलेक्ट्रिकल पावर को हाई वोल्टेज DC पर जनरेट नहीं किया जा सकता। बट HVAC के केस में अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज पे हम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि AC के केस में कोई कम्यूटेशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। द DC वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप्ड अप फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट हाई वोल्टेजेस। तो हम DC वोल्टेज को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो हमें पता है कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रिजल्ट्स इंड्यूस्ड EMF। तो जब फ्लक्स में चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट से तो हमें EMF इंड्यूस मिलता है। और फ्लक्स में चेंज का पता जो अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो कोई भी हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या मेटालिक कंपोनेंट को अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो EMF इंड्यूस होगा। तो इंडक्शन फिनोमिना DC के केस में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि DC की अगर वैल्यू 5 वोल्टेज है तो वो स्टेडी 5 वोल्टेज DC है। लेकिन AC के केस में अगर 5 वोल्टेज पीक टू पीक है तो वो +5 और -5 के दरमियान सिग्नल कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा। तो AC नेचर जो सा है वो नेचुरली एट्रीब्यूटेड है कि वो चेंजिंग अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है आफ्टर ईच हाफ साइकिल। तो उससे जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो यही वजह है कि हम ट्रांसफार्मर DC के केस में नहीं यूज कर सकते। तो अगर ट्रांसफार्मर नहीं यूज कर सकते तो HVDC जो सी है वो उसको हाई पावर में करना मुश्किल होता है। उसके लिए हम बूस्ट कन्वर्टर यूज करते हैं, उसका कंट्रोल और उसकी जो सर्किटरी है वो कम्प्लेक्स होती है। द DC स्विचेस एंड सर्किट ब्रेकर्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस। अब जो DC स्विचेस और सर्किट ब्रेकर्स है उनकी अपनी लिमिटेशंस होती है। हमें पता है जो सर्किट ब्रेकर के जो HVDC है वो उसका सर्किट ब्रेकर कॉस्टली भी होगा, उसकी सर्किटरी भी कम्प्लेक्स होगी। क्योंकि AC के केस में हर हाफ साइकिल बाद हमें जीरो क्रॉसिंग मिलती है, मतलब एक्स एक्सिस पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू जीरो होना मतलब जीरो क्रॉसिंग है। लेकिन DC के केस में अगर 5 वोल्टेज है या 120 वोल्ट है या 110 वोल्टेज स्टेडी स्टेट DC है तो उसमें जीरो क्रॉसिंग एक्सिस्ट नहीं करेगी। तो ये एक हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क होता है कि सर्किट ब्रेकर को फिर डिजाइन करना, और उसकी एक अपनी लिमिटेशन भी है, कॉस्टली भी है। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन। इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल स्टडी हाई वोल्टेज AC
over high voltage DC, over merits and demerits. So kindly stay tuned and stay blessed. And ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको वीडियो लेक्चर्स अगले जो से हैं एक्सपीरियंस वीडियो लेक्चर्स वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियो. थैंक्स.